टेक्निकल वाले हैं तो सही बेहतर है। जो टेक्निकल वाले हैं आप देखेंगे कि कहीं कहीं वो पूरी जानकारी देते हैं। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इन्होंने अपनाया है, एक मैसेज है समाज के लिए कि इसको समाज भी अपनाए और आगे बढ़ाए, हमारे समाज को सुरक्षित रखे। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं तो इसलिए हमें, हम सब किसानों को अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी अपनाना चाहिए। डॉक्टर नमस्कार किसान भाई, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर सैराम सिंह जी और ये आप गन्ना विभाग से हैं जी। आज हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, हमारे किसान आज आए हुए हैं, इनसे मिला जुला हो रहा है, कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए बहुत ही हमारे लिए बहुत अहम है कि मैं ऐसे एक ग्रुप के साथ आज उपलब्ध हूँ या मिल रहा हूँ जिन लोगों ने इतने छोटे समय में, इतने कम समय में, जैसा कि बताया गया अभी 5-6 साल पहले आपने काम स्टार्ट किया है, आज की डेट में इतने लोगों को इस समुदाय से, इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया है। और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो बहुत सारी बीमारी होती है केमिकल से या रसायनों से, उससे हमें भविष्य में निजात मिलेगी, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। एक है करेला है और करेले की जो जो मोटाई है वो आप देखिए एक आइडियल मोटाई है, कि मोटा करेला समाज और मार्केट पसंद नहीं करती, पतला करेला है, तो ये ऑर्गेनिक है और 100% सेफ है हमारे बॉडी के लिए। ये देखिए हम लोग इसकी सब्जी खाते हैं, चिचिंडा है, बाज़ार में उपलब्ध है, आप देखेंगे एकदम बहुत बड़ा होता है, और इन्होंने 0% केमिकल 100% ऑर्गेनिक अपनाया है और इसकी गुणवत्ता आप देख सकते हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में मैं तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ साथ गन्ना विकास विभाग का भी नाम रोशन करने में इनका अहम रोल रहा है। गन्ने की लंबाई मैं चाहूँगा कि दिखाना चाहिए इनको कि 13 फीट के आसपास गन्ने की लंबाई है, जो हम लोग केमिकल सूट लगाते हैं और लोग लगाते हैं इसकी इतनी लंबाई नहीं है। इतना इसका जो गर्थ है, जो डाया है, मोटाई है जिसको बोलते हैं, जो गन्ने का वजन के लिए जिसका मेन रोल है, वो इसमें ज़्यादा है। अगर चीनी की रिकवरी पड़ता देखेंगे शायद वो भी इससे उसमें अच्छा ही होगा। तो एक बहुत ही निश्चित रूप से पुनः बधाई देना चाहूँगा, इन्होंने गन्ने में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपना के और समाज को एक मैसेज दिया है कि अच्छी गुणवत्ता का थोड़ा बहुत भेजी या चीनी उठाएगी। मैं अब मिलवाना चाहूँगा आपसे हमारे बीच पूर्व गन्ना विभाग के निदेशक वाराणसी से आए हुए हैं और मैं अपने किसानों का सम्मान आपसे कराना चाहूँगा, प्लीज़। सर हमारे लोगों को बताइए कैसा लग रहा है किसानों से मिलकर के, ऑर्गेनिक टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके बीच है। ये आपके समक्ष ये मिर्चा ये जैविक उत्पाद के आधार पर है, इसमें किसी किस्म का कीटनाशक का प्रयोग नहीं है, केवल जैविक उत्पाद के आधार पर जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। और मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम स्वस्थ केवल जैविक उत्पाद से ही रह सकते हैं, अन्यथा तमाम प्रकार के कैंसर और तमाम प्रकार के हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन की जो बीमारियां हैं उससे ये पूर्तियाँ रहित है, और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ और इसी से हमारा समाज स्वस्थ रह सकेगा। एक बार मैं उन किसानों को जरूर बता दूं, एक बार अपना नाम बताइए ताकि आप फील्ड विजिट कर सकें। मेरा लक्ष्मीकांत निषाद, ग्राम रैया पोस्ट रामगढ़ जिला चंदौली से। ग्राम रैया पोस्ट रामगढ़ जिला चंदौली। इन्होंने भी जैविक उत्पाद का आधार पर मिर्चा ये पैदा किया है, जो किसी भी किस्म के कीट और बीमारियों से बिल्कुल पूर्णतया रहित है। इसके खाने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं इनके इस उत्पादकता की मैं सराहना करता हूँ। हर किसान भाई को चाहिए कि मिर्चा या जो भी पैदा करें वो जैविक उत्पाद के आधार पर ही पैदा करें, जो आपके टेबल पर उपलब्ध है इसका प्रयोग करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मैं मिलवाऊँ आपको आगे, हमारे बीच हैं गन्ना विभाग की जिला अधिकारी, हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ है और
है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज हमारे जिले के किसान हैं, दो तीन जिलों के किसान हैं, आज आप हमारे यहाँ गेस्ट बन के आए हुए हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कैसा लग रहा है आज आप लोगों को यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी लोग आधारित आज जैसा कि हुआ कि सभी लोग संकल्प एक हैं, तो आज मेरे मन में चूँकि हमारा भी चंदौली जिले में ही पड़ता है, लेकिन हम लोग भी अब चूँकि नौकरी करते हैं तो शहर में आके बस गए हैं, तो आज मेरे भी मन में ये इच्छा जगी है कि मैं भी कहीं अलग प्लॉट लेके और जैविक खेती पर आधारित साग सब्जी धन्यवाद।